उत्तराखंड के चमोली में शनिवार रात भारी बारिश के कारण कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ। इसके चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। स्टेट इमरजेंसी सेंटर ने बताया कि पहाड़ दरकने के कारण कामेदा, नंदप्रयाग और छिनका इलाकों में भी नेशनल हाईवे बंद है। रेस्क्यू ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम जारी है। यूपी के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है, जिसके चलते बाबा विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार समेत 3 गेट से एंट्री बंद कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड के कारण कुल 135 सड़कें बंद है। स्टेट इमरजेंसी सेंटर ने बताया कि बिजली और पानी की सप्लाई भी कई शहरों में बाधित हुई है। मौसम विभाग ने 12 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने केरल में 12 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पल्लक्कड़ और मलप्पुरम में अलर्ट है। यहाँ पर 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है। नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में था और दूसरा सर्कुलेशन साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश में था। उसके प्रभाव से राजस्थान, मध्य प्रदेश, इवन एंटायर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी रहा। ईस्ट राजस्थान में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी रहा, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रहा। अगर आप आज की बात करें, आज जो सर्कुलेशन है वो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में है और दूसरा वाला सर्कुलेशन लेस मार्क हो गया है, लेकिन वहां से लेके जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान से लेके बांग्लादेश में लो ट्रोपोस्फेरिक लेवल में, लो लेवल में एक ट्रफ बना हुआ है। इसके प्रभाव से हमारा अनुमान है आज भी ईस्ट राजस्थान में वेरी हैवी से ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, 12 से 19 सेंटीमीटर। इसके अलावा बाकी हिस्से हैं जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहां भी 12 से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। लेकिन जो रेनफॉल एक्टिविटी जहां चल रही है ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में, स्पेसिफिकली ईस्ट राजस्थान में, वहां के लिए आज हमने रेड अलर्ट किया। हालांकि जो वार्निंग है वो हमारा वेरी हैवी का ही है। इसके अलावा वेस्ट एमपी में वेरी हैवी रेनफॉल का आज हमारा अनुमान है। इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर इंडिया में भी रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है। चेतावनी लेवल 293.00 है, जो अभी हमारी चेतावनी लेवल से 25 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है, और जो डेंजर लेवल है तो 294.00 है। डेंजर से 75 सेंटीमीटर नीचे है अभी, और हमने जो नीचे हमारे पार्ट शो किया है सबको अलर्ट किया हुआ है, और यहाँ भी हम प्रशासन के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए अपना काम कर रहे हैं। इस टाइम 1,66,000 क्यूसेक पानी पास हो रहा है गंगा से। गंगा के जो किनारे लगे क्षेत्र है, लक्सर भी है और आपके नीचे भी जितने क्षेत्र है, सब में बाढ़ चौकियां बनी हुई है और सबको हमने अलर्ट किया हुआ है, और हमारे प्रशासन से जो हमारा ग्रुप है आपदा प्रबंधन का, उसको हमने उनको सूचित, हर घंटे की सूचना हम देते हैं, अलर्ट सभी को अलर्ट किया हुआ है।